नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी फटाफट। मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालेंगे यूपी फटाफट की खबरों पर। कानपुर के शिक्षक पार्क में भारत बंद के समर्थन में उतरे सपा विधायक इरफान सोलंकी और सैकड़ों समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस दौरान सपा कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इस प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पुलिस ने मौजूदा सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर सभी को पुलिस लाइन भेजा। किसानों के द्वारा भारत बंद को लेकर किए गए आह्वान पर बहराइच में तकरीबन छोटे बड़े 20 राजनीतिक दलों ने समर्थन देते हुए किसानों के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने की बात कही। भारत बंद आंदोलन के दौरान समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह की अगुवाई में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। संभल में कृषि कानून के विरोध में किसानों के भारत बंद आह्वान को सफल बनाने के लिए सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मौके पर मौजूद ASP आलोक जायसवाल ने भारी पुलिस बल के साथ पूर्व जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कन्नौज में भारत बंद के आह्वान के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने दुकानों को बंद करवाया। इतना ही नहीं, सपा कार्यकर्ताओं ने मेडिकल स्टोर, शराब की दुकानों सहित सभी दुकानों को बंद करवाया। पुलिस के सामने ही सपा कार्यकर्ता दुकानों को बंद कराते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कानपुर के नौबस्ता गल्ला मंडी में भी भारत बंदी का असर देखने को मिला। यहां पर व्यापारियों ने गल्ला मंडी बंद कराकर मंडी शुल्क समाप्ति और किसानों के समर्थन में धरना दिया। इस दौरान किसानों की समस्या और मंडी शुल्क वापसी संबंधित मांगों का मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। ये प्रदर्शन मंडी के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले किया गया। उधर कानपुर में भी किसान बिल के खिलाफ SP नेता आशीष सिंह ने परेड चौराहे पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। समाजवादियों ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अर्थी निकालकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के बीच अर्थी छीनने को लेकर धक्का मुक्की हुई और जमकर झड़प भी हुई। वहीं दूसरी तरफ SP नेता आशीष सिंह की मां व पूर्व अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य वरिष्ठ SP नेत्री नीलम रोमिला सिंह का भी दबंग स्टाइल देखने को मिला। जब SP नेत्री पुलिस की जीप पर बैठकर सरकार को कोसती नजर आई, वहीं मां और बेटे ने अपने अपने दबंग स्टाइल में प्रदर्शन कर पुलिस को खूब छकाया और बाद में दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसान बिल को लेकर बुंदेलखंड के महोबा में गुलाबी गैंग का भी अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान चर्चित महिला संगठन गुलाबी गैंग ने किसानों के समर्थन में उतरकर शहर में पैदल मार्च किया और बाद में सरकार विरोधी नारे लगाकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। गुलाबी गैंग की बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं प्रदर्शन करती हुई दिखी। प्रतापगढ़ में भी SP के नेताओं ने कलेक्ट्रेट में जाकर सरकार के विरोध में नारे लगाकर किसानों का समर्थन किया। यहां SP नेता अभिषेक तिवारी की अगुवाई में समाजवादी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उद्योगपति अंबानी और अडानी के पोस्टर जलाए। चित्रकूट में राम नाम का संकीर्तन के साथ प्रमुख द्वार के संत मदन गोपाल दास महाराज के नेतृत्व में संतों का विशाल दल रामजी जन्मभूमि अयोध्या धाम के लिए रवाना हो गया। कामदरगिरी प्रमुख द्वार में विशाल संख्या में चित्रकूट के कई मठ और मंदिरों के संतों ने जुटकर राम संकीर्तन करते हुए शिलाओं व का पूजन किया और आराधना कर उन्हें रथ में सवार किया। इस दौरान विशाल संख्या में स्थानीय व बाहर से श्रद्धालु वहाँ मौजूद रहे। शाहजहांपुर में बेखौफ गुंडों ने एक किसान के घर में घुसकर उसकी पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। गुंडों के हमले में 3 लोग घायल हो गए, वहीं मृतक के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये पूरी घटना तिलहर थाना क्षेत्र के रजगव गाँव की है। दरअसल यहाँ रहने वाले राजीव वर्मा का 1 महीने पहले खेत को लेकर विवाद हुआ था। बागपत में नाली के विवाद को लेकर आधा दर्जन पड़ोसी युवकों ने जानलेवा हमला करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस वारदात की पड़ताल में जुटी हुई है। यूपी फटाफट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।